नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के बारे में और यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल किस तरीके से बिहेव कर सकता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप करने के बाद अपना हाई बनाया, उसके बाद में इस वाले पॉइंट से जा करके आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट को भी ब्रेक किया इस वाले पॉइंट से, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था क्योंकि मार्केट उसके बाद कभी भी इसके ऊपर नहीं गया। साथ के साथ अगर बात करें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट को, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को इस वाले पॉइंट पर मिल रहा था क्योंकि मार्केट इस वाले पॉइंट के आसपास कई बार देखने को मिला, यहाँ पे भी हमें मार्केट इस वाले पॉइंट के आसपास देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे इसी वाले सपोर्ट के पास ही मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी कल की डेट के लिए, ठीक है ना। अब मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पे बायर्स भी बैठे हुए हैं, इस जगह पे सेलर्स भी देखने को मिल रहे हैं, और स्टॉप लॉस के बारे में अगर बात की जाए तो स्टॉप लॉस हंटिंग कल होने वाली है, तो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो सकता है क्योंकि इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कई सारे लोग जो बाय करके गए हुए हैं और उनके स्टॉप लॉस कहीं इस जगह पे नज़र आएंगे आपको, इस जगह पे बहुत सारे लोग बाय करके गए तो उनके स्टॉप लॉस इस जगह पे कहीं नज़र होंगे, तो मार्केट थोड़ा सा इनके स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग दे सकता है, लेकिन एक बार फिर नीचे से आकर के इस वाले लेवल तक जाएगा, फिर यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ये चीज़ की प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ की थोड़ी सी आशंका जताई जा सकती है। अभी फिलहाल के लिए बात करें अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने की बजाय गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे एसएल किसके मिलेंगे, इस जगह पे जो एसएल है जिन्होंने कल की डेट की अगर बात करें तो एक्सपायरी की बात है तो एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली देखिए अगर बात करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अगर बात करेंगे तो समझ आएगा आपको उस समय पर अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली इस वाले पॉइंट को पार करने की कोशिश करेगा मार्केट। ये सारी की सारी चीज़ें आपको चार्ट देख करके पता चल सकती हैं। आपने ट्रेड बनाने की अगर सोचा है कि ट्रेड बनाएंगे, बाइंग साइड का सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे या सेलिंग साइड का सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले आपको चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट देख करके ही आपको थोड़ा सा आइडिया मिल पाएगा कि मार्केट के अंदर किस तरीके से आपको किस तरफ का ट्रेड बनाना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, हम कभी भी आपको ये नहीं बताते कि मार्केट के अंदर आपको ट्रेड लेना चाहिए, हमारे कहने पर आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।